अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। आप इसमें इसको बहुत ही आसानी से बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बनाकर खा सकते हैं और ये खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत है। इसके लिए मैंने ये एक कप साबूदाना लिया था और इसको मैंने 2 से 3 पानी से धोकर और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। अभी पकने के लिए तैयार हो गया है इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इसको मैंने उबालकर छीलकर क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। अगर आप इसको नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मैंने कद्दूकस कर रख लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, थोड़े से मैंने करी लीव्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून से साबुत जीरा लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने सिंपल नमक लिया है, आप व्रत वाला नमक भी यूज कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन का यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो तेल को हम गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा हमारा भून गया है, इसमें हम डाल लेंगे कद्दूकस की हुई अदरक और ये हरी मिर्च, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसी में हमने जो करी लीव्स ली है वो भी ऐड कर देंगे। ये मसाले हमारे भून गए हैं, इसमें ऐड कर देंगे हम कटे हुए टमाटर। टमाटर हमारे पक रहे हैं, इसको हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे थोड़े से 1 से 1.5 मिनट के लिए या 1 मिनट के करीब हल्की आंच पर, ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरीके से गल जाएं। 15 से 20 सेकंड हो गए हैं इसको पकते हुए, 1 मिनट भी नहीं लगा है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इसी में हम ऐड कर देंगे हमने जो कटे हुए आलू लिए हैं, इसको भी हम भून लेंगे मसालों के साथ। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे हमने जो कुटी हुई काली मिर्च ली है। हरी मिर्च और कुटी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। इसको हम भून लेंगे। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। आलू हमारे भून रहे हैं, यहीं पे हम नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मसालों के साथ आलू भी हमारे भून चुके हैं, इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने साबूदाना भीगा हुआ रखा है वो। और साबूदाना डाल के हमें इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो आप और लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और यहीं पे नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर लें। इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के इसको हमें कुछ सेकंड तक पकाना है। 15 सेकंड हो गए हैं इसको हमें ढक के पकाते हुए। देखिए साबूदाना भी सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट कलर पे आ गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी धनिया डाल सकते हैं। यहीं पे ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा देसी घी, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, अगर आप नींबू का रस नहीं खाते हैं व्रत में तो आप ना डालें इस तरीके से। तो साबूदाने की खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए खिचड़ी को हमने डिश आउट कर लिया है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही मजेदार है। तो जरूरी नहीं है आप इसको व्रत में ही खाएं, आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी होती है और सबसे बड़ी बात ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो
तो ये रेसिपी भी हमारी पसंद आई हो आपको तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।